ये है शमशेर पहलवान, रहता तो अब हरिद्वार में है। अरे हरिद्वार बोलो तो नेपाल का, पीछे तो नेपाल का ही है यार। अगला का तगड़ा गांव बोलो, नेपाल बोलो, वो हरिद्वार में रहता है, काम करता है, पहलवान भी है, नौकरी पे भी है, स्पोर्ट्स में भी है। और नेपाल इसका देश है। जितने भी नेपाली पहलवान यहाँ आ चुके हैं, आप यूट्यूब पे देखते हो, सबसे खतरनाक ये पहलवान है, शमशेर पहलवान नेपाल। तारी मार दो भाई, आज आएगा मजा खेल में। हाँ जी, ये है मोहम्मद जावेद गनी पहलवान, जम्मू कश्मीर अखाड़ा कश्मीर। तारी मारो भाई इसके नाम पे। जब तक आप व्यवस्था नहीं बनाओ कुश्ती में, कुश्ती का समय, कुश्ती का समय आधा घंटा है, तो आधा घंटा से कम कोई कुश्ती नहीं कराई जाए। ठीक है भाई, टाइम चश्मे वाले भाई देख लो, आपके पहलवान कुश्ती का टाइम आधा घंटा, जोर जोर से लड़कर ऐसा समझ आ गई कि आधा घंटा है। ठीक है, चलो चलो भाई, आराम जाओ भाई। पहलवान पूरा काम करो और अपने गुरु को, अपने अखाड़े का, अपने माँ बाप का पूरा नाम रोशन करो, अपने उस्ताद का और दो मतलब करो। हाँ जी, आजा भाई। ये कह रहा है कि हमारे नेपाल में तो ऐसे कुश्ती दे देते हैं, बात सुन ले, ये नेपाल नहीं, ये हिंदुस्तान है, इसमें पूरा पानी निकल जाता है, समझा गए? कुश्ती बिल्कुल साफ दी जाएगी भाई, चलो बना चलो, हर चश्मे में भाई टाइम लड़ करिए।
कश्मीर वाला भाई। ये हिंदुस्तान है, यहाँ ईमानदारी चलती है भाई। कुश्ती जनता बता रही हो जाएगी तो चलो ¡Sabla! ¡Sabla!